हेलो एवरीवन तो इस पीपीटी में हम देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है ये सब के बारे में हम देखेंगे तो देखो फर्स्ट पीपीटी में दिया हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर फंक्शनल एंटिटीज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स क्या होता है फंक्शनल एंटिटीज़ क्या कंप्यूटर के दो पार्ट में डिवाइड होते हैं फर्स्ट इज़ हार्डवेयर एंड सेकेंड इज़ सॉफ्टवेयर यहाँ पे जैसे लिखा दिया हुआ है हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स और हार्डवेयर क्या है थ्री पार्ट्स में डिवाइड है फर्स्ट इज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेकेंड इज मेमोरी थर्ड इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फिर क्या है सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इन टू टू पार्टस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है तो सबसे पहले जो कंप्यूटर फंक्शनल एंटिटीज है वो दो टाइप में है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में फिर से क्या है हार्डवेयर ती, तीन टाइप्स में डिवाइड है सी मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और सॉफ्टवेयर दो टाइप्स में डिवाइड है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हार्डवेयर वाट इज़ द डेफिशन ऑफ द हार्डवेयर तो हम बोल सकते हैं कि हार्डवेयर के बारे में कि ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और एवरी थिंग दैट वी कैन टच इज़ कॉल्ड द हार्डवेयर ओके हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं हार्डवेयर बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेज इज कॉल्ड हार्डवेयर ठीक है इसमें देखो इलेक्ट्रो मेकेनिकल डिवाइसेज इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस मीन्स डिले आइसोलेटर कॉन्टैक्ट ये सब क्या है सब इलेक्ट्रो मेकेनिकल डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कंट्रोल हाई वोल्टेज ये क्या करता है कंट्रोल हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आप आ, देखे होंगे आप सबों ने ये क्या है रिलेज है इलेक्ट्रो मेकेल डिवाइस है फिर यहाँ पे देखो ये क्या है आइसोलेटर कनेक्टर ये सब यहाँ पे डायग्राम ये इलेक्ट्रो मेकेनिकल डिवाइस का दिया गया है ठीक है तो यही है क्या हार्डवेयर और हार्डवेयर के बाद नेक्स्ट इज हार्डवेयर डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट फर्स्ट इज सी पी यू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस सी पी यू सी पी यू फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो ये क्या करता है कंटेन ऑल ए एल यू फॉर ए मैन्यूपुलेटिंग डेटा ठीक है एल यू ये कंटेन करता है ए एल यू रजिस्टर सी यू ठीक है ए एल यू का काम क्या है ये मैन्यू डेटा को मैन्युपुलेटिंग करने का काम करता है रजिस्टर ये डेटा को स्टोर करता है सी यू मीन सेंट्रल यूनिट सॉरी कंट्रोल सी यू कंट्रोल यूनिट ये क्या क्या काम करता है फेचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन को फेच एंड एग्जीक्यूट करने का काम करता है अरेथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अर्थमैटिक अरेथमेटिक मीन्स एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन जो भी वर्क होता है सारे कुछ यहाँ पे होता है एंड लॉजिक मीन्स जीरो एंड वन लॉजिक मीन्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब क्या है अरेथमेटिक ये सब क्या है लॉजिक लॉजिक ऑपरेशन जो भी होता है उसके एग्जाम्पल्स कुछ बताए गए है ना नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट क्या है मेमोरी मेमोरी मीन्स कंटेन स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शन और डेटा को अपॉल मेमोरी हम लोग सब जानते हैं मेमोरी जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन होगा उसको स्टोर करने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेमोरी बोलते हैं नेक्स्ट इज़ सॉफ़्टवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे यहाँ दो पॉइंट्स बताया गया है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, है ना तो फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूज़र के लिए बनाया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इस सिस्टम के लिए बनाया जाता है जो यूज़र के लिए बनाया जाता है उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है एम एस ऑफिस है ब्राउज़र है एंड एम एस ऑफिस में ही बहुत सारे बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि एम एस वर्ड आता है एम एस ऑफिस में हम एम एस वर्ड यूज़ करते हैं एम एस एक्सेल यूज़ करते हैं एम एस पावर पॉइंट यूज़ करते हैं फिर ब्राउज़र में फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज़र में क्रोम है फायरफॉक्स है ओपेरा है इंटरनेट एक्सप्लोर ये सब क्या आते हैं ब्राउज़र के अंदर आते हैं तो ये सारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर जनरली क्या होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ये क्या होता है सिस्टम के लिए बनाया जाता है जैसे कि आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी क्या है एक सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिस सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हम विंडोज़ ये, ये सब यूज़ करते हैं है ना तो ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है तो ये स्लाइड आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे डिफाइन क्या 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 डिफरेंस है इसके बारे में बताया गया है जैसे हार्डवेयर को शॉर्ट फॉर्म में हमने एच डब्ल्यू में लिखा है सॉफ्टवेयर को भी शॉर्ट फॉर्म में एच डब्ल्यू लिखा है फर्स्ट पॉइंट क्या है हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ़ द कंप्यूटर ये क्या है फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लेकिन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द सी पी यू ठीक है ये प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट किया होता है किसके बाद सी पी यू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है हार्डवेयर कैन बी टच हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं बट सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट टचड ओके थर्ड पॉइंट इज हार्डवेयर कैनॉट परफॉर्म एनी टास्क विथाआउट सॉफ्टवेयर राइट बिना हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर बिना प्रोग्रामिंग के कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता सिमिलरली सॉफ्टवेयर भी क्या है सॉफ्टवेयर विदाउट कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट हार्डवेयर बिना हार्डवेयर के भी वो कुछ काम नहीं कर सकता नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी वायरस कोई भी वायरस से ये अफेक्ट नहीं होता है एंड सॉफ्टवेयर इट इज़ अफेक्टेड बाय द वायरस हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है वायरस से तुरंत तो अफेक्टेड हो जाता है हम लोग एंटी वायरस यूज़ करते हैं ताकि वायरस रिमूव हो जाए ठीक है फिफ्थ पॉइंट इज़ कैन नॉट कैन नॉट मेक डुप्लीकेट कॉपीज़ हम लोग हार्डवेयर का कोई भी डुप्लीकेट कॉपीज नहीं बना सकते है. लेकिन क्या है सॉफ्टवेयर का हम बहुत सारा डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं ना कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट इज़ वी कैन नॉट ट्रांसफर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिकली वी कैन नॉट ट्रांसफर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिकली हम हार्डवेयर को कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बट इन सॉफ्टवेयर वी कैन ट्रांसफर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिकली ठीक है तो यही था डिफरेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ठीक है आपको सीए वीडियो समझ में आया होगा ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय